हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो है चपन कद्दू के ऊपर। दोस्तों मौसम रात बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी, तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। दो तीन दिन से हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और जो प्लांटों में गर्मी के कारण येलोपन था वो ख़त्म होता जा रहा है। जो मेरी गमलों के अंदर सब्जियाँ लगी थी और उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दूनी हो रही है। जो जिन प्लांटों से मैं उम्मीद छोड़ चुका था मुझे निकालने पड़ेंगे, वो प्लांट भी मेरे सब्जी देना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलो आगे चलते हैं, उन पर बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, जो अच्छी वीडियो हैं उनका लाभ आप उठा सकें। ये चप्पन कद्दू हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें इनकी जो ग्रोथ थी एकदम से। इसका स्टेम पीछे से रुक चुका था, कभी फल आ जाते थे कभी नहीं आते थे, और इसके जो पत्ते थे धूप के कारण काफ़ी ज़्यादा मरना लग गए थे, ये देखें बैक साइड से। और अब क्या है कि इनकी ग्रोथ थी जो अच्छी हो गई है, बिल्कुल हरे और हेल्दी हो गए हैं, बारिश के कारण हुए हैं, जो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है उसके कारण हुए हैं ये सब। और इसमें फल थे जो, ये देखें एक के बाद एक आना स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या था, एक फल आ जाता था फिर नहीं आते थे, तो ये देखें अब हर पौधे के अंदर मेरे दो दो फल लग रहे हैं, ये देखें। तो मैंने इसके अंदर जो लिक्विड खाद थी वो देना कभी बंद नहीं किया था, तभी ये सर्वाइव कर रहे थे गर्मी के कारण। ये मेरे 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं जो प्लांट है, ये मैंने एक ट्रे टाइप थे जो नीचे उसके अंदर लगाए हुए थे। एक प्लांट तो मेरा यहाँ से मर भी गए थे एक ट्रे के अंदर इस वाली में, तो इधर भी ये देखें अभी इसमें भी शूटिंग स्टार्ट हो चुका है ये। और जो मैंने पाइप के अंदर लगाए थे इधर प्लांट, ये देखें 4 इंच के, मैंने काफ़ी देर पहले मैंने शुरू में ही इसका वीडियो डाला था, तो इसके अंदर भी प्लांटों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी, रुक सी गई थी। और फ्रूटिंग भी इसी तरह से जैसे इसमें एक आ रही इसी तरह से आई है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा रिस्पॉन्स इसका। इसका कारण ये था, इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी कम होने के कारण गर्म, इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती थी क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा थी। तो अब जब बारिश पड़ी है तो इसका ग्रोथ भी चल पड़ा है, और इसके अंदर देखिए आप फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने इसको नीचे ही रख दिया था ज़मीन के, कहाँ कि थोड़ा सा शेडी एरिया में रहे। तो ये मेरा छोटा सा अपडेट था प्लांटों का। और जो ब्रांचेस रुक चुकी थी उस ब्रांचेस में फल फूल आना फिर से स्टार्ट हो चुका है। मिर्चों की ग्रोथ भी रुकी थी, ये देखें फूल आना फिर से स्टार्ट हो चुका है। और बैंगन में भी 2-3 बैंगन आ चुके हैं फिर से, और भिंडी। दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे की मेरी ग्रीनरी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हैं